तो दोस्तों हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो ही गया ना जी। कितना पेड़ घुस गया देखिए। इसका पेड़ देखिए अंधेरा के टाइम कैसा लग रहा है। उधर आसमान तो लग रहा है कि जैसे सुबह के टाइम सूर्योदय होता है भोर भोर के टाइम। सो दोस्तों हम लोग उधर पुदीना लगा के आ गए और देखिए अंधेरा भी पूरा हो गया। स्वागत है फ्रेंड गुरु फैमिली व्लॉग्स में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हम भले होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और हम लोग आ गए हैं इधर बाड़ी तरफ आ गए हैं। गोलू की माँ भी आई है, गोलू बेटा लोग वहाँ पे घर पे है, मेरी मम्मी रखी है। और ये देखिए दोस्तों हम पंप लाए हैं, तो चलिए अब हम पंप लगाते हैं, सिंचाई वगैरह करते हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। लगा रहे हैं कुआं में, सेक्शन को बांध रहे हैं। अरे ये रहा हम लोग का कुआं, देखिए बहुत पानी बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि हम लोग का कुआं इतना गड्ढा नहीं ना है, इसीलिए इतना पानी नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब्जी लगाते हैं, फिर भी ज़्यादा ही लगाते हैं देखा जाए तो। चलिए हम लोग पंप लगा लेते हैं और तब तक अभी लाइन नहीं है तो दूसरा काम करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पंप लगाया हुआ कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग बाड़ी चलते हैं दोस्तों। तिरसान लाइट के चलते कैसा लग रहा है, इफेक्टेड लग रहा है। तो चलिए इधर भी देख सकते हैं आप लोग को, खेत का व्यू दिखा रहे हैं हम लोग। भिंडी उंडी जो लगाए थे उसका सिंचाई भी कर लिए हैं। ये रहा दोस्तों हम लोग प्याज लगाए थे, देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है हम लोग का। हाँ की वजह से ना हम लोग का इसका पत्ता सब झुक झुक जा रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी धूप नहीं मिलता है दोस्तों। चलिए अभी हम लोग फिलहाल तो मूला लगाने वाले हैं दोस्तों। और इधर देखिए हम लोग उधर जो आप लोग को दिख रहा है उसमें भिंडी लगा दिए हैं, आप लोग तो देखे होंगे भिंडी लगाते हुए। और फिलहाल अभी आप लोग आज हम लोग क्या लगाने वाले हैं जी? मूला। मूला दिखा दीजिए दोस्तों लोग को, मूला का। ये दोस्तों देखिए हम लोग का सकाता कंपनी का मूला, हाइब्रिड मूला है जो मस्त टाइप से बहुत बैठता है। तो जो आप लोग मूला वाला देखते थे ना, वो हमेशा यही वाला मूला लगाया करते हैं हम लोग। और इधर देखिए काफ़ी धूप लग रहा ना जी अभी। तो मेरा ख्याल से जहाँ पे छाँव छाँव है ना, देखिए इधर पेड़ भी है ना बांस, उसका तो उसका छाँव भी आ रहा है दोस्तों। उसी से सोच रहे उसी छाँव में हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी धूप है। जब तक शाम नहीं होती है तब तक हम लोग इसी में लगाते हैं। क्या मूला पॉकेट में है ही और है खुला वाला। चलिए अब गोलू की माँ स्टार्ट करिए लगाने, हम भी साथ में लगाते हैं दोस्तों। इधर दोस्तों स्टार्ट कर दिए गोलू की माँ लगाना, देखिए कुछ इस तरह से लगा रही है। दूर दूर दे रहे हैं ना, चार उंगली दूर दीजिएगा कम से कम। गर्मी का सीजन है ना, इसलिए थोड़ा सा हम लोग से दूर में देने से दोस्तों क्या होता है कि जल्दी मूला हम लोग का बैठता है। तो लोग मतलब डेट याद रखिएगा, इस डेट से हम लोग का कितना डेट में निकल रहा है, बोले तो महीना में लगभग हो जाता है, एक महीना में हो जाता है ना, एक महीना मतलब डेढ़ महीना ऐसे। हाँ 30-40 दिन में लगभग। और दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोग आड़ किए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना भी लगाएं। अगर हम लोग का लाइट उट हो जाता है तो हम लोग और भी पुदीना लगाने वाले हैं, तो वो भी ब्लॉग आप लोग को दिखाएंगे, इसी ब्लॉग में रहेगा। तो चलिए दोस्तों लेट ना करते हुए हम भी अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दोनों हम लोग हस्बैंड वाइफ लग गए हैं काम पे, गोलू की माँ डाली रही है और हम क्या कर रहे हैं कि सबको उंगली से धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे करके घुसा रहे हैं दोस्तों इस तरह से, देखिए बारी बारी से, बारी बारी से, ताकि अंदर चल जाए। उसके बाद हम लोग को इसको सिंचाई करेंगे, तो आप लोग वो भी देखिएगा सिंचाई कैसे करते हैं। और आड़ बना के इसलिए लगाएं दोस्तों क्योंकि इसको कोड़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों हम लोग को, इसीलिए आड़ बना के लगाएं ना। हाँ क्योंकि इसमें ना लगभग हम लोग को अब खाली पानी देना है, खाली पानी देना है, घास उसका भी झमेला, घास उस थोड़ा मोड़ा उगेगा तो घास सब हम लोग साफ कर सकते हैं हालांकि। हाँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे रहिए, तो हम लोग अपना काम करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों लाइट आ गया है, अब जा रहे हैं हम पंप लगाने के लिए। और इधर देखिए गोलू की माँ लगा रही है, अपना काम कर रही है। इधर हम लोग का छाँव था, अब उसको धूप में ही रहना पड़ रहा है, देख सकते कितना धूप में है। ठीक है जी हम जा रहे हैं। सो दोस्तों अब हम पंप में पानी भर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से भरा जाता है। और हम पाइप वाइप टान के पूरा रेडी कर लिए, देखिए पूरा पाइप का फीता टान के रेडी रखे हैं। और चलिए भरते हैं हम पानी। दोस्तों हम जैसे पंप लगाने खोजे तो लाइट कट गया, तो इसलिए हम क्या कि फिर गोलू की माँ के पास आ गए। और देखिए कब कड़ी धूप में हम लोग को पूरा काम करना पड़ रहा है, देखिए मेरा फेस तो नज़र ही नहीं आ रहा, देखिए गोलू की माँ को भी देखिए किस तरह से काम कर रही है। और हम भी अपने मिशन में लगे हुए हैं, पूरा धूप लग रहा है, अभी थोड़ा शाम होने में भी टाइम है ना, इसलिए काम कर रहे हैं। मेरा जो ड्यूटी है वो काम अपना कर रहे हैं। उधर गोलू की माँ अपना दाना सब गिरा रही है, भी सब देखिए एक एक करके गिरा रही है। और हम जाने से इतना जल्दी होगा नहीं। हाँ हाँ क्योंकि एक आदमी मतलब गिराते रहिए, फिर इस तरह से उंगली से इसको घुसाइए, बीज को घुसाना पड़ेगा हल्का सा अंदर,
तो टाइम लग जाएगा, इसलिए चलिए हम भी करते हैं, तब लाइट का इंतज़ार करते हैं दोस्तों। दोस्तों लाइट आ गया, देखिए हम पानी लेके जा रहे हैं बाल्टी में, फिर से पानी भरना पड़ेगा क्योंकि जब भरे थे वो सेक्शन के थ्रू से निकल गया है। तो चलिए दोस्तों हम भरते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पानी पकड़ लिया, ये रहा दोस्तों धर के पानी पकड़ लिया है, हम पानी के पीछे पीछे जा रहे हैं, पकड़ लिया जी पानी। तो देखिए गोलू कुमार दूर से मूली लगा ही रही है, चलिए हम पानी का पीछा कर रहे हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों देखिए पाइप में जा रहा है पानी, या देखिए नहीं निकला, अब निकलेगा पानी, देखिए अब इसको प्याज में धरा देते हैं, पूरा प्रेशर दे रहा जी, आधा प्याज में जाने देते हैं आधा इधर वाला। दोस्तों इधर पुदीना लगाएंगे इसमें, इसमें थोड़ा सा खोल देते हैं पानी। सो दोस्तों हम पुदीना का क्यारी वगैरह एगो बना नहीं है, वहाँ हम लोग का ज़्यादा पुदीना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दूसरा क्यारी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए देखिए हम क्या लेके जा रहे हैं, काटा काटा टाइप सा इसी जगह पे एक क्यारी बनाते हैं दोस्तों हम। जाओ ठंडा लग रहा है, जाओ मम्मी को ई वाला ला देना, जाओ मूड बांधनी टोला देना, जाओ बेटा जाओ। देखिए सान बेटी सुन नहीं रही, चलिए दोस्तों हम अपना काम करते हैं। देखिए गोलू पापा क्यारी बना रहे हैं, इसी में हम लोग पुदीना लगाने वाले हैं, इसमें आड़ करके देखिए सीधा ही है तो हाँ। सो दोस्तों इधर देखिए मेरा इधर थोड़ा मोड़ा बन के रेडी हुआ है, थोड़ा सा क्लीनिंग करना है, और उधर गोलू की माँ खड़ी है पुदीना लेके, ऐसे एक सॉन्ग आता है ले लो पुदीना, उस तरह से हमको पुदीना देने खोज रही है। उधर हम लोग का सिंचाई हो रहा है, उसमें पुदीना लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पर रहिए, अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर गोलू की माँ लगाने लगी है, क्या लगा रहे हैं जी? पुदीना, घास है ना, अच्छा घास पुदीना का जैसा लग रहा था। देखिए पुदीना किस तरह से लगा रही है, जिस तरह से धान लगाते हैं उस तरह से हम लोग सिंचाई कर दिए हैं, और देखिए क्या किया आना चाहिए, खत्म, वो दूध लेके आ रही है सानी बेटी, खत्म। देखिए गोलू बेटा भी देखिए मम्मी के साथ खेल रहा है, दूध दूध ही दूध, पियो दूध पियो 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 पियो। अरे गोलू की माँ पूरा लगी हुई है, चलिए हम भी हेल्प कर लेते, उधर हम सिंचाई कर रहे हैं, क्या बोलते इधर प्याज का दोस्तों, तो उसको घुमाना पड़ेगा हमको, इसलिए गोलू की माँ लगा रही है, मम्मी लोग वहाँ पे लगाएगी। दोस्तों लगभग शाम शाम पूरा हो ही गया, लगभग अंधेरा हो जाएगा, हम लोग को लगाते लगाते लग रहा है, उधर तो गोलू की माँ लगा ही रही है, हम इधर सिंचाई कर रहे हैं। इधर देखिए एक एक को रहना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्यारी है इसलिए रहना पड़ रहा है, और चंदन आ गया। तो दोस्तों हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो ही गया ना जी, कितना पेड़ घुस गया देखिए। इसका पेड़ देख सकते हैं दोस्तों क्या कितना घुस गया कीचड़ में, लीजिए आप कहाँ से दीजिएगा वाला सब, गड़िया अच्छा से ये रहा दोस्तों, देखिए गड़ रही है, पहले लगाए थे ना उसका मर गया था हम लोग का, वही वाला लगा रही है अभी, और इतना थोड़ा बचा हुआ हम लोग का टब में, तो उधर बड़ा चलिए जी घास साफ करना है, चल दिए दोस्तों हम लोग मिलकर घास साफ करते हैं। हम पाइप इधर कनेक्शन कर दिए हैं ताकि डायरेक्ट पानी हम लोग का नहीं पाएगा, जल्दी जल्दी आइए अंधेरा भी हो जाएगा। ये रखा दोस्तों हम कोड़ काड़ के रेडी रखे हैं, खाली हम लोग अब इसे लेबलिंग वगैरह करना है। तो देखिए दोस्तों हम लोग घास का लेबलिंग कर रहे हैं, घास वगैरह हटा दे रहे हैं, अगर घास नहीं हटाएंगे तो क्या होगा जी, घास तो लग जाएगा, पानी मिलेगा ना, अभी चला के मिलेगा, जैसे धान रोपते हैं उस तरह से हम लोग रोपाई करेंगे ना इसमें, तो इसीलिए लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों काम को अपना जारी रखते हैं, हम लोग इधर सारा कुछ लेबलिंग वगैरह हो गया है, अब चलते हैं पाम को चालू करने, जा रहे हैं जी पाम चालू करने, ठीक है अब चलते हैं पाम चालू करके आते हैं दोस्तों। दोस्तों हम पाम स्टार्ट करके आ गए हैं, गोलू की माँ देखिए पुदीना चुन रही है, और देखिए मेरे पानी कहाँ आ रहा जी, कहाँ आ रहा है, रुड़ रुड़ कर रहा ना, आना स्टार्ट हो गया दोस्तों, ये देखिए कहाँ से कहाँ पानी लाए, इतना दूर से पानी लाना पड़ा, और पुदीना चुन रही है इस तरह से देखिए जी, दस तो निकल जाएगा। दोस्तों हम लोग का लगाते लगाते देखिए लगभग अंधेरा हो गया, चारों तरफ देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा लगने लगा है, और इधर देखिए मेरी मम्मी भी आ गई, अरे सानवी बेटी भी आ चुकी है, ओए अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है, पंचर हो रहा है, कुछ ना कुछ बोलते रहती है, पंचर हो रहा है। अब लगाया वाला हम लोग का कम्प्लीट हो गया, लगते हैं वहाँ पे जो मुला लगाए ना दोस्तों, वहाँ पे जो 10 लाइन है तो उसमें सब लोग लगाए हैं, क्या हुआ 10 लाइन में 6 से 7 लाइन लगाए हैं, और अभी बचा हुआ है क्योंकि पुदीना लगाना ज़रूरी था, उखाड़ के वो मर जाता नहीं तो। तो चलिए लगाइए, और थोड़ा बचा है ना जी, तो पंप तो तब उधर से उधर पानी घुमा देने से होगा। तो दोस्तों हम लोग का लगाया हुआ हो गया, यहाँ तक लगा है और थोड़ा सा बच गया, वहाँ पे हम लोग का घट गया ना जी, देखिए
अंधेरा के टाइम कैसा लग रहा है उधर? उधर आसमान तो लग रहा है कि जैसे सुबह का टाइम सूर्योदय होता है भोर भोर के टाइम, वैसे लग रहा है अभी हम लोग का। तो थोड़ा सा पानी आने देते हैं यहाँ तक, देखिए। हाँ पानी देखिए यहाँ तक आने देते हैं, यहाँ तक लगाइए, यहाँ तक आने देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। सो दोस्तों हम लोग उधर पुदीना लगा के आ गए और देखिए अंधेरा भी पूरा हो गया, मोबाइल लाइट से काम कर रहे देखिए। और इधर गोलू की माँ क्या कर रही, जो मूला सब हम लोग लगाए ना उसमें क्या कर रहे जी? हाँ आधा अधूरा लगा, पूरा भी नहीं लगा, उसे आड़ में पानी देना होगा ना सिंचाई करने के लिए। अब हो गया जी, घुमाना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए दोस्तों हम भी ज़्यादा लेट नहीं करते, हम भी थोड़ा साथ दे देते हैं। पूरा अंधेरा देखिए, कुछ अंधेरा कैसा लगने लगा है, पूरा काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो चलिए दोस्तों हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग घर आ गए फाइनली दोस्तों, ये रहा हम लोग देखें, पंप लेके गए थे, पंप भी ले आए, गोलू की माँ में टब भी ले आए और काफ़ी अंधेरा हो गया देख सकते हैं। अब कितना टाइम हो रहा है जी? 7 बजने चला है, 7 बज गया दोस्तों, हम लोग का काम करते करते। ठीक है दोस्तों, यहीं पे ब्लॉग को लगता है एंड कर देना चाहिए, काफ़ी बड़ा ब्लॉग बन चुका है। तो दोस्तों आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो न्यू हो गया दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों बाय बाय। और न्यू स्पेशल सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने वाला तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा न्यू सब्सक्राइब के लिए, तब ठीक है दोस्तों बाय बाय।